हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। कल हमने सूटेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पढ़ा था, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के रिगार्ड्स में, और टाइप ऑफ वाटर डिमांड जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, है ना। आज वो ही अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ वाटर डिमांड कौन कौन सी होती है, तो कल मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से एस्टिमेशन लगाया जाता है, ठीक है। दो तरीके से एस्टीमेशन लगाया जाता है कि भाई हम जो पानी की ज़रूरत है हमको पड़ेगी तो हम किस तरीके से एस्टीमेशन लगा पाएंगे। तो वाटर डिमांड का एस्टीमेशन ये दो मेथड से लगाया जाता है, रेट ऑफ डिमांड से और पॉपुलेशन से, ठीक है। टाइप ऑफ वाटर डिमांड कितने टाइप की होती है तो उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है ये एसेस करना कि कितनी क्वांटिटी अपन को ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक के लिए वाटर की, क्योंकि लोग जगह भी चेंज होती रहती है, सीजन वाइज वाटर डिमांड भी कम होती रहती है। जैसे पानी आप देखेंगे ठंडी में लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है, पानी कम यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आप समर में देखेंगे तो समर में आपको पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा डिफ्रेंशिएट है उस हिसाब से जो वाटर डिमांड है वो डिफर करती है और वेरी होती है, क्लियर। अब जो हमारी टाइप ऑफ वाटर डिमांड है वो किन्नी किन्नी टाइप की होती है, वो कोई सर्टेन थंब रूल्स हैं उसके, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूलाज दिए गए हैं और कुछ एसेस दिए वाटर डिमांड को जो कि एक्यूरेट रिजल्ट अपन को देते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पर जो मैं अभी आपको यहाँ पर नाम लिखने वाला हूँ टाइप ऑफ वाटर डिमांड्स के, वो वेरियस टाइप की डिमांड्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वेरियस टाइप की डिमांड्स हैं तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड। कौन कौन सी वेरियस टाइप की वाटर डिमांड है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो वो है, देखो ये है ना नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहली डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो कि जून 2011 और मई 2017 में पूछी गई है, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड रिक्वायर्ड मतलब एक किसकी रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो रिक्वायरमेंट है ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ यूटेंसिल्स एंड हाउस, फिर गार्डनिंग हो गया, फिर सैनिटरी पर्पस हो गया एसेट्रा, ठीक है। ये इन सब की रिक्वायरमेंट है, ये एक घर के अंदर हमको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है जहां पे हम पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिपेंड ऑन द हैबिट, ये हमारी लिविंग स्टैंडर्ड पे अपना डिपेंड करता है, हमारे सोशल स्टैंडर्ड पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड ऑन हैबिट, फिर सोशल स्टेटस, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कस्टम ऑफ पीपल, ठीक है। किस तरीके से हैबिट, जैसे कि अब यहाँ पे हम हर चीज में पानी का यूज करते हैं, ठीक है, हमको वॉशरूम जाना होता है तो वहां पे भी पानी का यूज करते हैं, तब कि आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन्स में वो लोग पेपर का यूज करते हैं, ठीक है, थीके? जो भी अपने उनको जो दूसरे काम करने होते हैं उसके लिए वहीं पे पानी की कटौती हो जाती है। तो ये क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड पे अभी डिपेंड करता है पानी का किस तरीके से यूजेस है, उस तरीके से वो लिविंग स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करता है, सोसाइटी स्टेटस पे भी, क्लाइमेटिक कंडीशन बोले को जहाँ पे ठंडी होती होगी वहाँ पे
ठंड प्रदेश होता होगा, वहाँ पे हम पानी का कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पानी की कंडीशन ही वहाँ पे यूज़ करने लायक नहीं रहती होगी। जैसे कनाडा वगैरह में आप देखेंगे तो -15 या 13 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो बर्फ़ की वजह से लोग बहुत सारे दिन बाथिंग स्किप कर देते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वो पानी का कम यूज़ यानी वहाँ पे कम यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड 1172/1993 को हम देखा जाए तो जो मिनिमम डोमेस्टिक डिमांड है, डिमांड है और या कंजप्शन है, और वो है विथ फ्लशिंग सिस्टम, अगर फ्लशिंग सिस्टम है घर में तो 200 लीटर पर हेड पर डे, मतलब एक बंदा 200 लीटर पानी वेस्ट करता है पर लीटर पर आवर पर डे, समझ में, ठीक है, पर हेड पर डे, समझ में, लीटर पर हेड पर डे, मतलब एक 200 लीटर एक दिन के अंदर यूज़ कर रहा है पानी, समझ में है। और अगर फ्लशिंग सिस्टम नहीं है और नॉर्मल सिस्टम है घर में, अगर फ्लशिंग सिस्टम नहीं तो 135 लीटर पर हेड पर डे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन है तो, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्शन है तो की बात है, ठीक है। तो ये हमारा 135 लीटर, और जैसे डेवलपिंग कंट्री है वो करती है यूज 350 लीटर पर हेड पर डे, डेवलपिंग कंट्री में इतना पानी यूज होता है, डेवलपिंग कंट्री जैसे यूएसए हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं, जर्मनी हो गया, ये सब क्या डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इतना पानी यूज हो जाता है एक दिन के अंदर, ठीक है, एक जन के ऊपर, ठीक है। अब मिनिमम जो वाटर कंजप्शन डिमांड है 135, उसके हिसाब से ड्रिंकिंग की पर हेड पर डे के लिए, अगर ड्रिंकिंग के 5 लीटर मान लो, कुकिंग की 5 लीटर, बाथिंग में 55 लीटर पानी खर्च हो जाता है, वॉशिंग एंड क्लोथिंग में 20 लीटर पानी खर्च हो जाता है। तो टेबल नंबर अगर आप पढ़ेंगे ना, टेबल नंबर 1.1 अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, मिनिमम आरपी रेट लिया गया, आरपी लिया अतुल के अंदर टेबल 1.1 अगर आप देखेंगे तो मिनिमम जो डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन है इन इंडिया, इन इंडियन सिटी वो देखे रखा है, ठीक है, मतलब कितना ड्रिंकिंग में खर्च होगा, कितना बाथिंग में खर्च होगा, वो सब पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर देखे रखा है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्या होती है, तो भाई इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी वाटर डिमांड, इंडस्ट्री की जो वाटर डिमांड है उसकी, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या जो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है, जो हम वाटर सप्लाई करने वाले हैं, प्लान करने वाले वाटर सप्लाई का, उन सब की डिमांड वो कौन निर्धारित करता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड निर्धारित करके, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ द इंडस्ट्री प्रेजेंट इन द सिटी, मतलब कितनी नंबर की सिटीज सॉरी कितने नंबर की इंडस्ट्रीज हमारे पास है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वाटर की, मतलब वो ज़्यादा पानी यूज़ करने वाले, उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो जो लोग ज़्यादा पानी यूज़ करने वाले या
उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो ज़्यादा पानी कंजप्शन नहीं होगा, तो उसके हिसाब से जो हमारी जो डिमांड है वो हमको अंदाजन लगानी पड़ती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के क्या है कि बस एग्जिस्टिंग डिमांड, ये कौन सी डिमांड है, डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ऑर्डिनरी पर कैपिटा कंजप्शन कितना होता है, तो 50 लीटर पर हेड पर पर्सन पर डे इनका ऑर्डिनरी पर कैपिटा कंजप्शन है। अकाउंट ऑफ इंडस्ट्री नीड ऑफ द सिटी इन जनरल, जनरली टेकन में है, जैसे कि ऑर्डिनरी पर कैपिटा पर कंजप्शन इज 50 लीटर पर पर्सन पर डे जिन्ना रहता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो क्वांटिटीज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री यूनिट के ऊपर से, प्रोडक्शन के ऊपर से निकाली जाती है, अगर आप आरपी रेठलिया का टेबल नंबर 1.2 देखेंगे, उसके अंदर वाटर डिमांड देके रखी है ऑफ सर्टेन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पे 40 लीटर एक कार के ऊपर खर्च हो जाता है। ठीक है, एक व्हीकल के ऊपर खर्च हो जाता है पर व्हीकल। वैसे ही फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे 80 से 200 टन जितना पानी खर्च हो जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर 200 से 400 लीटर, 200 से 400 लीटर सॉरी टन पानी खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इंडस्ट्री का, पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर जो 1 से 2 टन पानी खर्च हो जाता है, तो ये सारे टन के हिसाब से हमको यहाँ पे वो दिए हुए हैं, टेबल नंबर 1.2 पे इंडस्ट्री की डिमांड दी हुई है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। तो ये थी हमारी डोमेस्टिक डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड। अब जो तीसरी हमारी डिमांड है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, जैसे कि मॉल हो गया, कोई कॉलेजेस हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, फिर वापस से मॉल हो गया, तो ये सारी जो डिमांड है इंस्टीट्यूशनल कंजप्शन डिमांड इसके अंदर आता है। ठीक है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गए, फिर सिनेमा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल उसके अंदर आती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेयर हाउसेस, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होस्टल, रेलवे स्टेशन एसेट्रा। ठीक है, ये सब इंक्लूड करता है। अब जो वाटर डिमांड है इसके, ये भी आईएएस कोड, अगर आप है ना इसमें ये याद रखना, ये मैं आपको कभी पूछ भी सकता हूँ कि आईएएस कोड 1172/1993 इसके अंदर सारी वाटर डिमांड दी हुई है।
वो आप एक बार IS कोड 117 डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके हिसाब से टेबल नंबर 1.3 अतुल की, उसके अंदर वाटर सप्लाई में रिक्वायरमेंट दिया हुआ है किसकी, पब्लिक बिल्डिंग। क्या दिया हुआ है? वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक बिल्डिंग, जाके पढ़ना। उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि फैक्टर वेयर द बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड, जैसे हॉस्पिटल है वहाँ पे बाथरूम प्रोवाइड करना रिक्वायरमेंट है, तो 45 लीटर्स पर हेड अपन को देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ फैक्ट्रीज जहाँ पे बाथरूम्स रिक्वायरमेंट टू बी प्रूव्ड है, ठीक है, नो बाथरूम रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे अपन को 30% देना पड़ेगा पानी, 30 लीटर देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रीज के अंदर अपन यूज़ कर पानी के लिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर अगर नंबर ऑफ बेड्स इज़ नॉट एग्जिस्टिंग 100, नंबर ऑफ बेड ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं है तो 340 देने का, अगर नंबर ऑफ बेड 100 से ज़्यादा है तो 450 लीटर पर हेड अपन पर डे अपन को देना पड़ेगा, ठीक है। नर्स होम हो गया, फिर मेडिकल क्वार्टर्स हो गया, वहाँ पे 130 लीटर आपको पानी देना पड़ेगा। तो एक बहुत बेहतरीन टेबल दे के रखा है 1.3 में, तो आप जाके वो देख लेना। वो टेबल्स के अंदर आपको होस्ट होटल्स हैं, ऑफिस हैं, उन सबकी जो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है वो दे के रखी है, तो वो आपको एक बार देख लेना। आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए अपन को जान के रखना है, हालांकि GTU में ये पूछने वाले हैं नहीं, और ऐसा आज GTU में आया तो इतना डिटेल में भी अपन को लिखना है नहीं, पर एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आगे का अपना जो कोर्स है वो एनवायरनमेंट में परस्यू करना चाहते हैं, या एनवायरनमेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर डिमांड्स अपनी कितनी कितनी होती है, वाटर डिमांड का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से वो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम करते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पस सच एज वॉशिंग, स्प्रिंकिंग ऑफ रोड, क्लीनिंग ऑफ सीवर वाटर ऑफ पब्लिक पार्क गार्डन, पब्लिक फाउंटेन, ठीक है, ये सब की रिक्वायरमेंट के लिए हमको ये जो पानी की रिक्वायरमेंट है पब्लिक डिमांड की, पब्लिक यूजेस में और सिविक यूजेस में अपन वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो इसलिए इसकी क्वांटिटी निकालना ज़रूरी है। क्या क्या इंक्लूड करता है ये? इट इंक्लूड्स वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ रोड्स, फिर क्लीनिंग ऑफ सीवर, फिर वाटर ऑफ पब्लिक पार्क्स गार्डन्स पब्लिक फाउंटेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट होती है। तो टू मीट द वाटर डिमांड ऑफ पब्लिक यूजेज प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ टोटल कंजप्शन इज मेड वाइल डिजाइनिंग द वाटर वर्क ऑफ फॉर द सिटी। जितने भी सिटी के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं वाटर, उसमें से 5% हम पानी ये वो अपन पब्लिक डिमांड के लिए रख देते हैं। तो ठीक है, 5% ऑफ टोटल कंजप्शन इज मेड वाई डिजाइनिंग द वॉटर वर्क फॉर सिटी। समझ में आया? कितना परसेंट? 5%। अ फिगर ऑफ 10 लीटर पर हेड पर डे इज यूजली एडेड ऑन दिस अकाउंट वाइल कंप्यूटिंग टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। 10 लीटर पर हेड पर डे यूजुअली हम ऐड कर देते हैं इसके ये अकाउंट के अंदर, जब हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं अपने वाटर रिक्वायरमेंट को, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट है वाटर की,
वो पब्लिक पर्पस के लिए वो किस किस तरीके से ली जाती है, तो उसका भी अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो तीन तरीके से जो पर्पस है वो है, एक तो पब्लिक पाथ्स, ठीक है, सेकंड है स्ट्रीट वॉशिंग, फिर होता है सीवर क्लीनिंग, ठीक है। ये तीन जो तीन मेन पर्पस है इसके। तो पब्लिक पार्किंग के लिए हम कितना, जैसे ये टेबल नंबर 1.4 के अंदर देके रखा है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है, जिसके अंदर देखे रखा है पब्लिक पार्क के लिए 1.4 लीटर मीटर स्क्वायर पर डे के जितना पानी जाता है, ठीक है। फिर स्ट्रीट वॉशिंग के लिए 1 से 1.5 लीटर मीटर स्क्वायर पर डे के लिए जितना पानी जाता है, और सीवर क्लीन के लिए 4.5 लीटर पर हेड पर डे जितना पानी अपना वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी कि कौन सी डिमांड, पब्लिक डिमांड। अब जो आ रही डिमांड उसको अपन बोलते हैं लास्ट डिमांड, उसको उसका नाम है फायर डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है फायर डिमांड। क्या आता है, जनरली फायर जनरली ब्रेक इन थिकली पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड लोकेलिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, एंड कॉज सीरियस डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ समटाइम लीव ऑफ द पीपल आर लॉस्ट, लाइव ऑफ द पीपल्स आर लॉस्ट। समझ में आया। जनरली जो फायर डिमांड है वो कहाँ कौन सी जगह के लिए की जाती है, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया हो, लोकेलिटीज, यानी जहाँ पे जो पॉपुलेटेड लोकेलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों की जान जाने का खतरा ज़्यादा होगा, और इंडस्ट्री एरियाज है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आग लगने का खतरा अपन को रहता है। अ प्रोविजन शुड बी देयर फॉर बी मेड इन द मॉडर्न पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम फॉर फाइटिंग फायर्स, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटिंग्विश फायर शुड बी इजिली अवेलेबल एंड कीप अवे स्टोर इन स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विश है उसको थोड़ा दूर रखा जाता है, और उनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट स्टोरेज रिजर्वायर के थोड़ा सिटी से दूर रखी जाती है, ठीक है, और ऐसी जगह पर रखी जाती है कि हमको इजिली अवेलेबल हो जाए। तो फायर हाइड्रेंट्स हैं आर यूजुअली फिटेड इन वाटर मेन्स एट ऑफ 100 to 150 मीटर अपार्ट, एंड द फायर फाइटर पम्प्स आर इमिडिएटली कनेक्टेड इन टू दैम बाय द फायर ब्रिगेड पर्सनल एज सुन एज द फायर ब्रेक आउट। द मिनिमम वाटर प्रेशर अवेलेबल एट फायर हाइड्रेट शुड बी ऑर्डर ऑफ 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड शुड बी मेंटेन इवन 4 to 5 आवर्स ऑफ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ फायर हाइड्रेट। समझ में आया आपको कि जो फायर हाइड्रेंट्स हैं वो यूजुअली फिटेड होते किससे, वाटर मेन से, जहाँ पे फायर हाइड्रेट्स हैं वो किससे फिटेड होते हैं, फायर हाइड्रेंट्स आर यूजुअली फिटेड विथ किससे, वाटर मेन्स, जिसकी जो कैपेसिटी है एट अबव 100 to 150 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो वो ये स्टोरेज रिजर्वायर है वाटर मेन्स, उससे हमारे जो फायर हाइड्रेट है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या रहता है, इनके अंदर होता है फायर फाइटिंग पंप्स, ठीक है, जो इमिजिएटली कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जितना भी पानी है वो प्रेशराइज होके किसके अंदर, फायर ब्रिगेड के अंदर बढ़ जाता है। समझ में आया, ठीक है। वैसे ही और इसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है, वाटर प्रेशर जो अवेलेबल रहता है एट फायर हाइड्रेट वो रहता है कितना, 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेंटेन रहना चाहिए, शुड बी
मेंटेन 1 to सॉरी 4 to 5 hours, ठीक है, जो कि मेंटेन रहना चाहिए 4 to 5 hours तक। समझ में आया? तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक ही रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज हैं, उसके बारे में पर कैपिटा डिमांड क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड को। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल नए लेक्चर के साथ, परसों नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छी तरीके से देखिए लेक्चर, और कोई तकलीफ होता हो मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।